Thank you.
श्री राधा रानी की जय। चलिए बैठ जाइए, बस 15-20 मिनट का प्रवचन और है, ध्यान दीजिएगा। समय पर छोड़ दूंगी, आप चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि मैं भी जानती हूँ ये ज्ञान है, आगे पाठ पीछे सफा चाट परिस्थिति नहीं आनी चाहिए कि मैं आगे बढ़ती जाऊँ आप पीछे भूलते जाओ, मैं वो नहीं चाहती। क्योंकि जो सुन रहे हैं वो आपकी बुद्धि में बैठे, भले ही कम बताऊं लेकिन वो अच्छे से आपकी बुद्धि में बैठना चाहिए। इसलिए थोड़ी देर का विषय और है, बस ध्यान दीजिए, फिर प्रवचन को विराम देंगे, ध्यान दीजिएगा। अब संसार का स्वरूप, यानी इस मन को हमें संसार से हटाना है। अभी संसार के बारे में हमें समझना है कि आखिर ये संसार है क्या, बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा। देखिए, संसार के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां आप लोगों ने सुनी होंगी, जैसे बहुत सारे बाबा लोग आप लोगों ने टीवी पर सुना हो या आपके यहाँ भिलाई शहर में भी आते हो, कई संत कहते हैं, कई बाबा लोग कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, यानी कुछ है वह नहीं, बस मन की बनाई हुई कल्पना है। और ये भी कई संत ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये संसार सत्य है। आप लोग भी सुनते होंगे, बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा, बहुत सरल विषय है लेकिन महत्वपूर्ण है। यानी कुछ संसार में संप्रदाय बाबा लोग ऐसा कहते हैं कि संसार मिथ्या है, कुछ है वह नहीं। और कई संस्थाएं ऐसी हैं, कई संत ऐसे हैं जो कहते हैं कि संसार सत्य है। फिर ये क्या सच है, क्या ये संसार सत्य है, क्या ये संसार मिथ्या है, आखिर ये संसार क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूं। देखिए, ये दोनों बातें सही हैं, कोई गलत नहीं बोलते शास्त्र संत, ये संसार मिथ्या भी है और ये संसार सत्य भी है, दोनों है। बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा, एकदम सरल विषय लेकिन ध्यान दीजिए, ये संसार सत्य भी है और ये संसार मिथ्या भी है, दोनों सही है। कैसे, सुनिए। दो प्रकार का संसार होता है, दो प्रकार का संसार, एक बाहर का संसार और एक भीतर का संसार। एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, एक बाहर का संसार और एक भीतर का संसार, ये दो प्रकार का संसार है। बाहर का संसार कौन सा, ये जो हम इन आंखों से देखते हैं, ये मंदिर है, ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये समझो इस आंखों से, ये जो पंच महाभूत का जगत देखते हैं इन आंखों से, ये बाहर का संसार है। और एक संसार होता है भीतर का संसार, ये कौन सा है, ये अंदर। बहुत ध्यान दीजिए, ये है हमारे विचारों का संसार, हमारी इच्छाओं का संसार, हमारी कामनाओं का संसार, ये भीतर का संसार। यानी एक संसार बाहर का, ये पंच महाभूत का जगत जो हम इन आंखों से देखते हैं, जहां तक दृष्टि जाती है, और एक संसार हमारे भीतर है, हमारे इच्छाओं का, हमारी कामनाओं का, हमारी वासनाओं का, हमारे विचारों का संसार, ये भीतर का संसार। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो भीतर का संसार है, ये भीतर का संसार, ध्यान दीजिए, ये मिथ्या संसार कहलाता है, और ये बाहर का संसार, ये सत्य संसार कहलाता है। बहुत ध्यान दो, मैं बार बार बोल दूंगी, बात नहीं करना कोई भी, ये बाहर का संसार सत्य संसार कहलाता है और भीतर का संसार मिथ्या संसार कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये बाहर के संसार की रचना भगवान ने की है और भगवान स्वयं सत्य हैं, उनकी बनाई हुई हर वस्तु सत्य है। सत्याभूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च, महाभारत में कहा है कि भगवान सत्य हैं, इसलिए उनसे उत्पन्न हुआ ये संसार भी सत्य है। तो ये बाहर का संसार भगवान का बनाया हुआ है, ये पंच महाभूत का जगत, ये सत्य संसार है।
और ये मिथ्या संसार, ये भीतर का संसार, ये मिथ्या है। क्यों? क्योंकि इसको हमने बनाया है। हमारे विचारों का, हमारी इच्छाओं का संसार ये मिथ्या है, क्योंकि हम बनाते हैं और हम माया के अधीन हैं। इसलिए हमारा बनाया हुआ संसार मिथ्या संसार है और बाहर का संसार भगवान का बनाया हुआ है, इसलिए ये सत्य संसार है। इतना समझ गए? अब ध्यान दीजिए, ये जो बाहर का संसार है, ध्यान दीजिएगा, ये मिथ्या संसार के सामने कुछ भी नहीं है। हमारा बनाया हुआ संसार इतना विशाल है, इतना विशाल है कि बाहर का संसार उसके सामने कुछ भी नहीं। जैसे उदाहरण से मैं बता रही हूं, आप रात को जब हम सोते हैं सपना देखते हैं तो सपने में ऐसी ऐसी चीजें हम लोग देख डालते हैं जो हम जागृत अवस्था में नहीं कर सकते। सपने में हम अपने आप को देख रहे हैं कि हम उड़ रहे हैं हवा में, लेकिन वास्तव में तो नहीं उठ सकते। सपने में हम देख रहे हैं कि हम एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ छलांग लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो नहीं कर पाते। यानी ये सपने में जो हम ये देख रहे हैं, ये कौन देख रहा है? बाहर से तो आप सो रहे हैं चादर तान करके। ये जो हम सपने में देखते हैं, ये सुख दुख का अनुभव करते हैं, कोई मार रहा है हमको, कोई गला घोट रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, हमें ये फीलिंग नहीं होता। हम समझते सचमुच में हमारे साथ हो रहा है, ऐसा लगता है, सुख दुख का अनुभव होता है। तो ये कौन करता है? ये भीतर का संसार, हमारी वासनाओं का, हमारे विचारों का संसार। ये इतना विशाल है कि बाहर का संसार कुछ भी नहीं है इसके साथ। यहाँ बैठे बैठे आप भिलाई में बैठे हैं, अभी बैठे बैठे आपका भीतर का संसार को अमेरिका पहुंचा दे, यह लोग परलोक पहुंचा दे। आपकी बैठी है बेटी मुंबई में या कलकत्ता में, यहाँ बैठे बैठे आपका मन पहुंच गया मुंबई। मेरी बेटी क्या कर रही होगी? यहाँ घुमा डालता है, पूरी दुनिया घुमा डालता है ये भीतर का संसार हमारा। इतना विशाल है ये, तो ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर। ये संसार है, ये भीतर का संसार है। इसलिए ये जो बाहर का संसार है, ये जो भगवान ने बनाया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सदा एक रूप रहता है। आज हम जो दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, ये बाहर के संसार के कारण है, भीतर के संसार के कारण। बाहर का संसार हमारी कोई हानि नहीं करता। हम जो ये बोलते हैं इसने हमें दुख दिया, इसके कारण हमें ऐसा हुआ, ये गलत। बाहर का संसार हमें कभी दुख नहीं देता। आज हम दुखी हैं, अशांत हैं, ये अपने बनाए हुए भीतर के संसार के कारण। भगवान का बनाया हुआ संसार कभी दुख नहीं देता, ये सदा एक रूप रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, हमारा भीतर का संसार सदा परिवर्तनशील है, ये कभी एक रूप नहीं रहता। नहीं समझे? चलिए मैं उदाहरण से समझाती हूँ, ग्वालियर कल से तब समझेंगे। उदाहरण से ध्यान दीजिएगा, जैसे मान दोनों बातें करते जा रहे हैं, ऐसी अचानक दोनों की नजर पड़ी, एक सामने कोई चीज चमक रही है। अब उन दोनों ने सोचा हो ना हो ये हीरा होगा, तो दोनों सोचने लगे क्यों ना मैं पहले दौड़कर पकड़कर उस हीरे को पकड़ लूं, भाग कर। तो दोनों उस चमकती हुई चीज को पकड़ने के लिए दौड़े तेज से, पर एक व्यक्ति ज्यादा तेजी से दौड़ा और तुरंत जाकर उसने उस चमकती हुई चीज पर झपट्टा मार लिया और अपने हाथ में ले लिया, देखा और देख करके खुश हो गया क्योंकि वो हीरा था। अब दूसरा व्यक्ति धीरे दौड़ा, उसको वो हीरा नहीं मिला, और बेचारा दुखी होने लगा कि देखो उसको हीरा मिल गया इतना महंगा सुबह सुबह और मेरे को नहीं मिला, वो दुखी हो रहा है। अब इतने में तीसरा व्यक्ति आया, वो भक्त था भगवान का, उसने देखा कि एक व्यक्ति सुबह सुबह बड़ा खुश हो रहा है और एक व्यक्ति बड़ा दुखी हो रहा है, क्या बात हो गई? वो गया जाकर पूछा कि भाई साहब क्या बात है, आप इतने खुश क्यों हैं?
तो उसने कहा ये खुशी की बात है, देखो सुबह सुबह मुझे हीरा मिला, इतना महंगा हीरा है। अच्छा आप क्यों दुखी है? तो कहता है देखो ना उसको हीरा मिल गया, मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं दुखी हूँ। और वो भक्त था, उसके लिए संसार के समान का कोई मूल्य नहीं। उसने कहा तुम दोनों पागल, पर संसार का कांच है ये, कांच मिट्टी से पैदा हुआ, इसके लिए तुम सुखी हो रहे हो, इसलिए दुखी हो रहे हो, तुम दोनों पागल हो। वो चला गया बेचारा, उसको हीरा को देख करके ना कोई सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है, वो चला गया। अब आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए हीरा भगवान के बनाए हुए संसार की एक सत्य वस्तु है, लेकिन एक को हीरा सुख दे रहा है, एक को हीरा दुख दे रहा है, एक को हीरा सुख ना दुख कुछ नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं ना एक व्यक्ति के लिए हीरा ज्यादा चमक वाला है, दूसरे के लिए कम चमक वाला है, नहीं, हीरा उसी आकार में है, उसी चमक के साथ है, सत्य वस्तु है भगवान की, लेकिन उसके प्रति जो भावनाएं बन रही हैं, सुख दुख वाली, ये हमारे मन की है, ये भीतर के संसार की है, ये सदा परिवर्तनशील है। भगवान का बनाया हुआ संसार सदा एक रूप रहता है, हम जो भावनाएं बनाते हैं संसार के प्रति, उसी कारण हम दुखी होते हैं। एक स्त्री भगवान की बनाए हुए संसार की सत्य है, लेकिन उसके प्रति सब अलग अलग भावनाएं बनाते, कोई कहते हैं मेरी मम्मी आ गई, कोई कहते मेरी सहेली आ गई, कोई कहते मेरी बेटी आ गई, कोई कहता है मेरी पत्नी आ गई, सब अपने अपने भावनाएं बना रहे। वो स्त्री तो भगवान के बनाए हुए संसार की सत्य है, लेकिन उसके प्रति जो अलग 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 भावनाएं जीव बनाता है, उसी के कारण सुख दुख सब हमें मिलता है। इसलिए बहुत ध्यान देकर सुनिए, तो आज हम जो संसार में दुखी हैं, अशांत हैं, ये भगवान के बनाए हुए संसार के कारण है। हम दुखी हैं, अशांत हैं, इस भीतर के संसार के कारण। इसलिए जब तक ये हमारा भीतर का संसार समाप्त नहीं होगा, तब तक हम बाहर के संसार में कितना भी वैराग्य कर ले तो भी हम सुखी नहीं हो सकते। जंगल चले जाए बाहर के संसार को छोड़ करके, लेकिन अगर भीतर का संसार बना है तो अशांति चलेगी। अगर भीतर का संसार है तो जंगल जाके भी आप संसार के चिंतन करो, अरे खाना नहीं मिल रहा, भूख लग रही है, अरे मेरा पुत्र क्या कर रहा होगा, ये होगा वो होगा। इसलिए बाहर का संसार हमारी कोई हानि नहीं करता, हम दुखी हैं, अशांत है इस भीतर के संसार के कारण। जैसे मैंने उदाहरण बताया बच्चे का, बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर भीतर का संसार नहीं रहता, इसलिए उसको कोई सुख दुख नहीं, आप उसको गाली दो मारो उन सबसे परे रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये भीतर का संसार बढ़ता जाता है, सुख दुख टेंशन सब हमें फीलिंग में आने लगते हैं, तो सारी करामात इस भीतर के संसार के कारण है। इसीलिए हमें वैराग्य, हमें जो मन को हटाना है वो बाहर के संसार से नहीं, हमें मन को हटाने इस भीतर के संसार, यहां से मन खाली करना है। यहाँ जो ये राग द्वेष मोह ईर्षा काम क्रोध जो भरा पड़ा है, इसको खाली करना है। संसार छोड़ना नहीं है, संसार से विरक्त होने की जरूरत नहीं है, विरक्त होना है हमें मन से, भीतर से। संसार तो हमारे लिए जरूरी है इस शरीर को चलाने के लिए, खाना पीना विटामिन प्रोटीन मिनरल्स वो हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि इसी शरीर से हमें भगवान का भजन करना है। तो शरीर संसार के बारे में हम समझेंगे, अभी नहीं, ध्यान दीजिए, मैं प्रश्न रख रही हूँ अभी। तो ये भीतर का संसार को हम समझेंगे, लेकिन ये सुनने के बाद आप लोग ये ना सोचिएगा कि भाई बाहर का संसार तुम्हारी कोई हानि नहीं करता, इसलिए खूब ठार से संसार का उपभोग करो, खूब खाओ पियो घूमो फिरो, बाहर का संसार तो कोई हानि नहीं करता, भीतर का संसार को ठीक करना है। ऐसा नहीं समझना, अगर आपको ईश्वर के राज्य में चलना है तो ठीक है, बाहर का संसार हमारी हानि नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि हम खूब संसार से संपर्क रखें, फिर
खूब संसार में मस्त रहे। देवी जी ने कहा है संसार हानि तो करता नहीं, खूब खाओ पियो हलवा पूरी, ऐसा नहीं। देखिए जब तक ये भीतर का संसार आपका बना हुआ है तब तक हम लोगों को बाहर के संसार से भी सावधान रहना जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है। जिस दिन ये भीतर का संसार समाप्त हो जाएगा फिर आप बाहर के संसार में संपर्क में रहो, ये हावी नहीं होगा आपके ऊपर। आप पाखाने में बैठो, मैं खाने में बैठो, कुसंगियों के बीच में बैठ जाओ, शराब खाने में जाकर बैठ जाओ, तो भी उस वातावरण का आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जब भीतर का संसार समाप्त हो जाए। लेकिन अगर भीतर का संसार बना है तो ये बाहर का संसार घी में, आग में घी डालने का काम करता है। हाँ, जितना जरूरी है इस संसार से संपर्क उतना ही रखना चाहिए जितने में हमारे शरीर का काम चले। ज्यादा दोस्ती यारी, ज्यादा संसार से संपर्क, ये हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं, हमारी साधना में, भगवान की ओर चलने में, इस भीतर के संसार को ठीक होने में रुकावट बनते हैं। जैसे मैं उदाहरण से बता रही हूँ, फिर मैं प्रवचन को विराम दूंगी, प्रश्न रख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण से बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए एक माँ का बेटा बाहर है, मान लीजिए, या और गवाह लेता जो उदाहरण से बच्चे का उदाहरण होगा, मतलब अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चे को रसगुल्ला खाने की इच्छा हो, अब वो मम्मी के सामने जिद कर रहा है, मम्मी मुझे रसगुल्ला खाना है या फिर चॉकलेट खानी है, जो भी जिद कर रहा है, मान लो बच्चे की जिद है। अभी उसके सामने वो बाहर का संसार नहीं है, रसगुल्ला पड़ा नहीं उसके सामने, चॉकलेट रखी नहीं है, बस वो जिद कर रहा है कि माँ मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है। तो माँ कहेगी अभी रुक जा, अभी पैसे नहीं है मेरे पास, नहीं है बस, बस कोई और काम कर। तो बच्चा क्या करेगा, ध्यान दीजिए, वो थोड़ी देर जिद करेगा, रोएगा, लेकिन अगर माँ कह रही नहीं है पैसे डाके खेल, तो वो अपना खेलने में मस्त हो जाएगा, थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों के साथ या खिलौनों में वो भूल जाएगा कि मुझे रसगुल्ला खाने की इच्छा थी। लेकिन अगर उसके मन में रसगुल्ला खाने की इच्छा है और सामने मेज पर रसगुल्ला पड़ा है, वो बाहर का संसार है, तो फिर वो बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर वो माँ खां कर ही मानेगा, मम्मी मुझे वो रसगुल्ला खाना है, अभी दो, अभी क्या, अभी दो। और जब तक वो रसगुल्ला नहीं खाएगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी, रसगुल्ला खा के मानेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये बाहर के संसार को पा करके ये भीतर का संसार और बलवान हो जाता है, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता, आग में घी डालने का काम करता है। कोई एक इच्छा पैदा हो जाए हमारे मन में, उसको पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो ये बाहर का संसार हमारे लिए, जब तक भीतर का संसार है, ये बहुत खतरनाक है। इसे जितने में हम आज इतना विरोधाभास, जितना हमारा माइंड डिस्टर्ब है, केवल संतों के कारण, जितना देख रहे हैं संतों के हाल चाल संसार में, सब भ्रमित होते जा रहे हैं हम लोग। इसलिए उसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को ये है ना, दीक्षा लेने की बहुत जरूरत होती है, गुरु बनाना जरूरी है, तो किसको गुरु बनाना चाहिए, हम क्या, हम कैसे गुरु होना चाहिए, किससे दीक्षा लेनी चाहिए, ये सब हमें समझना पड़ेगा। प्रेम कैसा बनाए, अगर गलत गुरु जी बना ले तो फिर नरक का भी भाग रह जाता है। हाँ, इसलिए सही गुरु जीवन में अगर गुरु बनाओ सही, वरना तो फिर क्या कर, बाद में बताऊंगी। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट विषय शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए प्रतिदिन का प्रवचन जरूर सुनिएगा, क्योंकि संतों को लेकर के मैंने अक्सर देखा है, जब जब मैं गुरु तत्व बताती हूँ तब तक बहुत सारे लोग आ ही नहीं पाते, ऐसी परीक्षा लेने चाहिए बनना बहुत। इसलिए कितना भी जरूरी काम हो संसार में, ये 5 दिन के प्रवचन हम आपको नहीं छोड़िए, भले टाल दीजिए, सुबह करिए, कुछ भी करिए, क्योंकि संसार तो सदा चलता रहेगा, सदा संसार का काम आपके जाने से नदन चलतेगा नहीं, लेकिन ईश्वर का ज्ञान बार बार नहीं, भले एक बार परिवार नाराज हो जाए वो चलेगा, लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं छोड़ेगा। भगवान को नंबर 1 पे रखना है, संसार को नंबर 2 पे रखना है। इसलिए प्रतिदिन का प्रवचन सुनिए, 5 दिन बचे हैं, और कल और परसों, उसके बाद 3 दिन हम साधना सीखेंगे।
ठीक है। और बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि मन में भी आते हैं तो वो अपने कर्म जाने, लेकिन हम सतर्क हैं, उनका जीव भगवान जानेंगे, उनको दंड देंगे इस जन्म में मरने के बाद भी, लेकिन हमको सतर्क रहना, इसे सावधान रहे। और खास तौर से दीदी लोगों से निवेदन है कि प्रसाद करना हमको मिलना है, ऐसा है, सबको प्रसाद मिले, सबका कल्याण हो, सब अपने अपने घरों में ले जाए, इतना भी मिल रहा है पुनः साफ ले दे, बाकी घर में ले दे, बच जाएगा आपने आपके घर ले जाइए। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें 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 मिले, यही चीज आप लोगों को मुझे आगे सिखाऊंगी मैं कि प्रेम क्या है, निष्कामता क्या है, सेवा क्या है, ये सब चीजें आप समझोगे तभी आप लोगों को मैं सुधार आएगा। हाँ, अभी बहुत अज्ञान भरा पड़ा है आप लोगों के, जितने घरों में जा रही हूँ मैं खूब अज्ञान दिख रहा है, सब बेचारे दुखी है, शांत है, कर गलती नहीं है क्योंकि I'm
Thank you.
चैनल पर रोज प्रतिदिन सुश्री गोपी केशवरी देवी यानी हमारा श्रीमद् भागवत का प्रवचन श्रवण कर रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग ज़रूर आइए, अधिक से अधिक मात्रा में आइए और अपने जीवन का लाभ उठाइए, अपना कल्याण कीजिए। सबको राधे कृष्ण। ठीक है, ठीक।